दुर्ग के सिकुला भाटा स्थित सुनी मकान में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी को लॉकर तोड़कर अंदर रखे जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसकी जांच मोहन नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। मोहनगर थाना अंतर्गत सिकोला भाटा क्षेत्र में बीती रात व्यापारी के सोने मकान में चोरी की घटना घट गई। बता दें, अज्ञात चोरों ने घर में रखे 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है, सिकोला भाटा स्थित मकान गर्ग इंटरप्राइजेज के संचालक किशोर गर्ग का था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गर्ग अपने परिवार के साथ रिश्तेदार से मिलने राजनांदगांव गए हुए थे। इसी बीच सोएपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में घुसकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुर्ग पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। परिवार के लोग जब घर पहुंचे तो सुबह मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो अलमारी के लॉकर टूटा हुआ था और ताले भी सब टूटे हुए थे और साथ ही 3 लाख रुपए नगद समेत सोने के जेवरात यहां पर गायब बताए गए थे। बताया जा रहा है, चोर इसे लेकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित ने अपनी जानकारी इस तरह से दी है। मेरा ट्रेडिंग का काम है, मेरा झाड़ू पोछा ट्रेडिंग का काम है। गांव देहात में घूम घूम के सेल्स करता हूँ। चोरी हुई है, हम लोग परसों शनिवार को दोपहर को मैं, मेरी वाइफ, मेरे यहाँ सालू भाई के यहाँ हम लोग घूमने गए थे, तो 4 बजे के आसपास गए और सुबह फिर रविवार को सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये मेरे घर चोरी हुई। तो उस दरमियान यहाँ मैं वॉकिंग में जाता हूँ सुबह, तो मेरे को जो उठाने आए तो मेरा फ़ोन लगा है भैया कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, ताला टूट चुका है और फिर आप जाके थोड़ा सा जल्दी आ जाओ यहाँ भी हो तो, ऐसा करके। तो मोहल्ले वाले लोग और परिचित के लोग को मैं बोला मैं कि आप लोग वहीं पे रहना, FIR कराते हैं। तो पुलिस वाले के साथ आके घर में सब देखे। लगभग कितने की चोरी है? मेरा लगभग जेवर और कैश मिला के 12.5-12 लाख की चोरी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।